हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो दिस वीडियो इज़ फॉर इग्नू एमए सोशियोलॉजी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एंड यहाँ पे हम बात करेंगे MSO4 दैट इज़ सोशियोलॉजी इन इंडिया के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। आपके जो दिसंबर में एग्जामिनेशन है उसके लिए क्या क्या लास्ट मोमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दैट यू नीड टू कवर। अब मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि इनमें से काफ़ी सारे टॉपिक यूट्यूब प्लेलिस्ट पे अवेलेबल हैं, कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आपके ऐप पे भी कवर हैं, तो आप लाइकवाइज इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। ऐप पे पेड क्लासेस में कवर है, यूट्यूब पे फ्री फॉर्म में आप सबके पास वो चीज़ें अवेलेबल हैं। तो हियर इज़ द लिस्ट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक। नंबर फर्स्ट इज, देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए मैं थर्ड टॉपिक को पहले आपके साथ डिस्कस करूँगी, दैट इज़ इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। किस तरीके से, व्हाट आर द हिस्टोरिकल रूट फॉर द बिगग्राउंड ऑफ इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया, यह हमें डिस्कस करना है। देन इंडिया में जो चीज़ें थी, इंडिया की जो सोसाइटी की बात करें तो कास्ट इज़ द इनहेरिट पार्ट ऑफ द इंडियन सोसाइटी। तो कास्ट के बारे में, किस तरीके से कास्ट सिस्टम ओरिजन हुआ, वर्णा सिस्टम क्या था, फिर वो कास्ट सिस्टम किस तरीके से कन्वर्ट हुआ, ये सारी चीज़ें आपको बात करनी है। देन कुछ लोगों के, जैसे अंबेडकर के, लोहिया के व्यूज़ क्या थे कास्ट को रिगार्डिंग, कास्ट के रिगार्डिंग फादर ऑफ द इंडियन सोशियोलॉजी जो बोले जाते हैं, जीएस घुरे, उन्होंने कास्ट के 6 फीचर दिए हैं। वो 6 फीचर हम लोग देखेंगे कि क्या वो 6 फीचर्स हैं। देन देयर इज़ अ टॉपिक कॉल्ड माइग्रेशन, व्हाट आर द टाइप्स एंड रीज़न, व्हाई डू पीपल माइग्रेट, व्हाट आर द रीज़न, व्हाट आर द फैक्टर्स जिस वजह से लोग माइग्रेट करते हैं, इसके डिफरेंट टाइप क्या होते हैं, ये हमें देखना है। देन फैमिली का डिटेल कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहाँ मैंने सिर्फ ये लिखा है मीनिंग फंक्शन एंड टाइप्स, लेकिन इसके अलावा भी हम देखेंगे कि किस तरीके से फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है इन द रीसेंट टाइम। जो फैमिली का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है, लाइक जॉइंट फैमिली कन्वर्टेड टू न्यूक्लियर फैमिली, इंक्रीज इन द रोल ऑफ वुमेन, राइट, ये सब चीज़ें पॉइंट आप मतलब वुमेन के एस्पेक्ट पे, फैमिली का जो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है इस एस्पेक्ट पे आप यहाँ पे आंसर को प्रेजेंट करेंगे अगर चेंजिंग स्ट्रक्चर के बारे में पूछेगा। देन मैरिज, मैरिज का मीनिंग क्या है, मैरिज के फंक्शन क्या है, मैरिज के डिफरेंट टाइप क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ मतलब डिफरेंट बेसिस पे कितने टाइप की होती हैं, ये सारी हमें मैरिज एंड फैमिली में चीज़ें कवर करनी है। देन किनशिप क्या होता है, किनशिप क्या है, किनशिप का मीनिंग क्या है, किनशिप को लेकर डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज क्या है, लाइक अलायंस थ्योरी है, राइट, तो जो डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी है वो दोनों थ्योरीज आपको देखनी है किनशिप को लेके, एंड किनशिप के यूजेज की बात करनी है। देन व्हाट आर द डिफरेंट सोशल मूवमेंट पहले क्या होता है ये आपको देखना है, सोशल मूवमेंट कितने टाइप के होते हैं, रिफॉर्मिस्ट, रिडम्पटिव, ये सब आपको देखना है। थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट क्या है ये आपको देखनी है, ओल्ड वर्सेस न्यू सोशल मूवमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब ये कवर करोगे ना यहीं पे, वैसे तो चैप्टर अलग चैप्टर हैं इसके लिए, अलग से यूनिट में एक्सप्लेन किया गया है, बट अ वर्कर मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट, किसानों को लेके जो भी मूवमेंट है वो किस तरीके से इमर्ज हुए, कुछ मूवमेंट आप पढ़ भी लेना कि आप उसको एक्सप्लेन कर सको अपने आंसर में, दिस इज़ द टॉपिक दैट इज़ मेंशन हियर, राइट। देन व्हाट इज़ अ कॉलोनियल परस्पेक्टिव ऑन कास्ट, कास्ट को लेके आप देख रहे हैं कितना कुछ है यहाँ पे, ये दो टॉपिक भी स्टार्टिंग के हमने कास्ट से रिलेटेड देखे थे। देन कॉलोनियल परस्पेक्टिव क्या था कास्ट सिस्टम का। देन ट्राइब को लेके, ट्राइब को लेके एल्विन एंड जीएस घुरे के क्या व्यू थे, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है और किस इसका किस तरीके से ग्रोथ हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या क्या पड़ता है ऑन द डिफरेंट सेक्टर, ये देखना है। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स को आपको स्टडी करना है, हाउ रिलीजन इम्पैक्ट पॉलिटिक्स और हाउ पॉलिटिक्स इम्पैक्ट रिलीजन, वाइस वर्सा दोनों फॉर्म में स्टडी करना है। अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन के टाइप्स, अर्बनाइजेशन का इम्पैक्ट रूरल एरिया पे, अर्बन एरिया पे, ये दोनों एस्पेक्ट में देखना है। ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन के डिफरेंट परस्पेक्टिव क्या हैं, ये डिटेल में देखना है, इसके इम्पैक्ट क्या रहते हैं ये देखने हैं। देन व्हाट एग्जैक्टली इज सेक्युलरिज्म, एंड ईस्ट का सेक्युलरिज्म वेस्ट के सेक्युलरिज्म से किस तरीके से डिफरेंट है, ये डिटेल में करना है। एंड व्हेन आई एम सेइंग डिटेल, तो डिटेल मीन्स इतना कर लेना है कि आप उस टॉपिक पे जब एग्ज़ाम में आए तो 500 वर्ड्स लिख पाएँ, क्योंकि आपको पता होगा कि 20 मार्कर क्वेश्चन आता है और आपको उसको 500 वर्ड्स में आंसर करना होता है। देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडिया में मिडिल क्लास किस तरीके से ग्रो कर रही है, राइट, पहले रिच एंड पुअर में सोसाइटी जनरली डिवाइडेड होती थी, बट धीरे धीरे हमने देखा एक नई क्लास इमर्ज होकर आ रही है जिसे कैटेगराइज किया मिडिल क्लास। तो इंडिया में मिडिल क्लास का इमर्जेंस के बारे में बात करनी है। देन द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन, संस्कृताइजेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, एम एन श्रीनिवास ने ये दिया था, तो आप एम एन श्रीनिवास के बाकी कॉन्सेप्ट लाइक डोमिनेंट कास्ट, कहाँ इन्होंने स्टडी की थी कुर्ग की, देन उसके बाद आप ये भी करेंगे कि एम एन श्रीनिवास कास्ट के बारे में क्या बात करते हैं, ये चीज़ कवर करनी है। देन देयर इज़ अ टॉपिक ऑफ सोशल डिफरेंशिएशन, क्या होता है, इसके टाइप क्या है, इसकी थ्योरी क्या है, डिटेल में कवर करना है। एंड रिलेटेड इज सोशल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो सोसाइटी कुछ चीज़ों से मिलकर बनती है, जैसे कि इकोनॉमी, पॉलिटी, रिलीजन, फैमिली, मैरिज, लॉ, तो ये सब सोशल स्ट्रक्चर के पार्ट होते हैं, इनको डिटेल में हमें करना है।
देन एग्रेरियन मिडिल क्लास स्ट्रक्चर, अभी आपने मिडिल क्लास का पार्ट देखा, देन एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर, और वो किस तरीके से प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस में हमें देखने को मिलता है, चेंज क्या हुए हैं प्री इंडिपेंडेंस से लेके पोस्ट इंडिपेंडेंस तक, तो वो एग्रेरियन स्ट्रक्चर आपको बताना है। देन देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ रिलीजियस प्लूरलिज्म, शॉर्ट नोट आ सकता है 250 वर्ड का, 10 नंबर का इस पर। सोशियोलॉजिकल अप्रोच टू स्टडी रिलीजन इन इंडिया, रिलीजन को स्टडी करने के इंडिया में कौन कौन से डिफरेंट सोशियोलॉजिकल अप्रोचेस प्रेजेंट हैं, वो अप्रोचेस को डिस्कस करना है। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फील्ड व्यू एंड टेक्स्ट व्यू, ये पढ़ेंगे तो पता चलेगा। जब आप बुक्स के थ्रू सोशियोलॉजी सोसाइटी की स्टडी कर रहे हो तो वो टेक्स्ट व्यू कहलाता है, जिसे इंडोलॉजी भी कहते हैं, जिसमें जी एस घुरे जैसे फादर ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया जिन्हें कहा जाता है वो आते हैं। एंड फील्ड व्यू इज़ व्हेन यू आर गोइंग टू दैट प्लेस, आप उस जगह जा रहे हो, वहाँ रह रहे हो, वहाँ के लोगों से रेगुलर इंटरेक्ट कर रहे हो, उनकी डेली एक्टिविटीज़ को पहचान रहे हो और फिर अपनी थ्योरी जो है वो मेंशन कर रहे हो। तो इस फील्ड व्यू में एम एन श्रीनिवास जैसे थिंकर्स आते हैं। देन नेक्स्ट गांधी एंड नेहरू व्यू ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऊपर इंडस्ट्रियलाइजेशन टॉपिक हमने देखा ही था बट अलग से भी इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि गांधी जी एंड नेहरू जी क्या सोचते थे विद रिस्पेक्ट टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे गांधी जी बात करते थे टू प्रमोट द कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मॉडर्न इंडस्ट्री की बात ये नहीं कर रहे थे, राइट? तो ये चीज़ बात करनी है। और नेहरू जी वहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन को साथ लेके चलने की बात कर रहे थे, तो ये प्रॉपर अलग से सिंगल सिंगल पर्सन का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, दोनों का एक साथ एक ही क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। सो दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट टॉपिक विच आर मस्ट टू डू, जिन्हें आप नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप खुद से भी पढ़ रहे हैं किसी बुक की किसी और चैनल की हेल्प से, तो दिस इज़ द लिस्ट ऑफ टॉपिक जो बिल्कुल आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ताकि आप 10 में से एग्जाम में 5 क्वेश्चन